नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2018 एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखिए ये ज्ञापन है और यहां पर आप सबसे पहले देख सकते हैं डेट दिनांक 13/11/2019 आज ही की डेट है। और यहां पर देखिए सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार और विषय है आरपीएससी अजमेर प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 का आयोजन 3 जनवरी 2020 से पोस्टपोन कर लास्ट जुलाई अगस्त 2020 में करवाने बाबत, यानी दोस्तों एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाने को लेकर यह ज्ञापन दिया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आरपीएससी में। तो यहां पर देखिए महोदय जी, उपरोक्त विषय में नम्र निवेदन है कि हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अजमेर द्वारा होने वाली प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 कार्मिक विभाग के आदेशानुसार नए युवाओं को मौका देने के लिए दिनांक 19/9/2019 को आरपीएससी द्वारा प्राध्यापक भर्ती 2018 की पुनः विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें आवेदन दिनांक 23/9/2019 से दिनांक 12/10/2019 तक भरवाए गए और आवेदन भरने की योग्यता में मास्टर डिग्री फाइनल ईयर व बीएड फाइनल ईयर को भी शामिल कर लिया, लेकिन साथ में एक शर्त डाल दी कि आयोग यानी आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा से पहले आपका मास्टर डिग्री बीएड का फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। और यहां पर देखिए दिनांक 31/10/2019 को आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर भर्ती परीक्षा का आयोजन 3 जनवरी 2020 से लेकर 13 जनवरी 2020 तक किया जाना प्रस्तावित किया है। और आगे देखिए भारत के समस्त विश्वविद्यालय मास्टर डिग्री फाइनल ईयर व बीएड फाइनल ईयर की परीक्षा लगभग अप्रैल मई में आयोजित करवाते हैं व इनके रिजल्ट लास्ट जुलाई अगस्त में घोषित करते हैं। इस तरह हमारे मास्टर डिग्री फाइनल ईयर व बीएड फाइनल ईयर का रिजल्ट लगभग लास्ट जुलाई अगस्त 2020 तक आएंगे। यदि आरपीएससी इस भर्ती परीक्षा का आयोजन जनवरी 2020 से पोस्टपोन कर लास्ट जुलाई अगस्त 2020 तक कर दे तो हम पीजी यानी बीएड फाइनल ईयर योग्यता के आधार पर आवेदन करने वाले लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी भी इस भर्ती की योग्यता के दायरे में आ जाएंगे। यदि आयोग जल्दी ऐसा नहीं कर पाए तो आवेदन करने वाले लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। और अतः महोदय निवेदन है कि हमारी समस्या को मद्देनजर रखते हुए परीक्षा जुलाई अगस्त 2020 में आयोजित की जावे। और यहाँ पर आप ये साइन देख सकते हैं, संपूर्ण नवीन आवेदक व बीएड एमए फाइनल अभ्यर्थी। और दोस्तों ये आज ही का ज्ञापन है, यहाँ पर आप देखिए 13/11/2019, ठीक है। और विषय यहाँ पर आप देखिए आरपीएससी अजमेर प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 का आयोजन 3 जनवरी 2020 से पोस्टपोन कर लास्ट जुलाई अगस्त 2020 में करवाने बाबत। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक और ज्ञापन है, यहाँ पर आप देखिए ज्ञानचंद पारक सदस्य हैं राजस्थान विधानसभा के। और यहाँ पर देखिए सेवा में श्रीमान दीपक उप्रेती जी अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, विषय है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथियों में बदलाव करने बाबत। तो इसमें भी दोस्तों सेम वही चीज़ है जो मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है और ये दोस्तों ये ज्ञापन आरपीएससी में दिया गया है। आज आरपीएससी चेयरमैन दीपक उप्रेती का नाम का ये ज्ञापन है और यहाँ पर आप ये फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये आज की फोटो है आरपीएससी से। तो बड़ी बात दोस्तों यही है कि फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी जो है सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन दिया और उसके बाद जो है आरपीएससी में जो है फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम डेट को लेकर ज्ञापन दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया इसमें पढ़कर कि क्यों विद्यार्थी चाहते हैं कि जुलाई अगस्त में फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो। अब दोस्तों देखते हैं कि कोई बड़ी खबर आती है कि नहीं आती है, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। फिलहाल तो दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 3 जनवरी 2020 से लेकर 13 जनवरी 2020 तक प्रस्तावित है। अब दोस्तों आगे क्या होता है अभी इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।